चोरी होने के बाद एक भी सामान नहीं बचा और आप दोनों गुड्डन को ब्लेम कर रहे हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली, क्योंकि सारी जो घर की चाबियां हैं वो मेरे पास थी, उसके बाद एजे ने गुड्डन को दे दी, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो चाबियों को संभाले, पर चाबियां गुम हो गई। और ये भी पता चला कि जो चोर आया है वो कोई दरवाज़ा तोड़ के या छुप छुपा के नहीं आया, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं आया, वो बराबर दरवाज़ा खोल के आया है। तो पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट चाबी बनी थी, और अगर डुप्लीकेट चाबी बनी है इसका मतलब यही है कि गुड्डन ने जो चाबी कहीं तो घुमा दी होगी, उसकी डुप्लीकेट चाबी बन गई, और सारा ब्लेम गुड्डन पे ही जाता है। लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, मेरी सारी ज्वेलरी चली गई लक्ष्मी की, और कुछ नहीं बचा, जिंदगी बैड बच गई बेसिकली। दादी की मूर्ति भी चोरी हो गई, दादी पूजा नहीं कर पा रही, लेकिन आज गुड्डन ने क्रिएटिविटी करके दिखाया है, ये ड्राइंग बना के गुड्डन ने ड्राइंग बनाई है, भगवान बनाए हैं, दादी इम्प्रेस होगी उससे, बट हम नहीं होंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज उसने पेपर पे भगवान बनाए हैं, जो जिससे इम्प्रेस हो गई दादी, पर हमारा कहना ये है कि वो देखो देख रही है, हमारा कहना ये है कि हम खाना क्या खाएंगे, वो पेपर पे बनाएंगे और वही खाएंगे। एग्जैक्टली, तो बहुत दिक्कत हो गई है, और अब तो ऐसे निगुडन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।